दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि हमारे घरों में जो कटआउट लगा होता है उसमें जो फ्यूज और बांधते हैं, तो इसे हम कैसे बांधते हैं, इसके लिए वीडियो को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इसमें तार का एक टुकड़ा लेंगे और इसे हम इसे छील लेंगे पूरा। यहाँ पे हमने दोस्तों 1 mm का तार का टुकड़ा लिया है और आप अपने लोड के अनुसार इससे मोटा वायर भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें कॉपर वायर ही लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसमें 1 mm या 1.5 mm का तार हम फ्यूज में यूज कर सकते हैं। और इसको पहले हम इस प्रकार से रिंग बना लेंगे और उसके बाद हम इसमें जो ये स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को खोलेंगे और इसमें इस जो कॉपर की रिंग बना रखा है इसमें हम फंसाएंगे। दोस्तों, इस तरह से हम इस स्क्रू में इस रिंग को फंसा देंगे जो हमने कॉपर से बनाया हुआ है। और इसके बाद हम इसे कटआउट में जहाँ से इस स्क्रू को खोला था वहाँ पे हम इसे टाइट कर देंगे। दोस्तों, इस तरह से टाइट करने के बाद हम बाकी का वायर दूसरे साइड के जो इसके स्क्रू लगे हैं कटआउट पे, हम इसे यहाँ पर टाइट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम स्क्रू को खोल के भी रिंग बना के टाइट कर सकते हैं और इसे हम चाहे तो स्क्रू को थोड़ा सा ढीला करके हम इसे लपेट के भी टाइट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे स्क्रू को पूरा नहीं खोल रहा हूँ और सिर्फ इसे ढीला करके इसमें लपेट दे रहा हूँ और इसे टाइट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये फ्यूज वायर बन गया है और अब हम इसे जो कटआउट में जहाँ पर लगाते हैं हम इसे आराम से इसे लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये इसका कटआउट है और हमने इसे लगा देना है।